राम राम जी। स्वागत है आप सभी भाई बहनों का अपने योग चैनल पर। और आज संडे है, संडे को छुट्टी होती है, फिर भी थोड़ा सा सोचा आज हमारा विचार विमर्श करते हैं हम कुछ रोगों पर, कुछ जड़ी बूटियों पर बैठ कर आराम से। तो वो सब होने के बाद हमने सोचा कि थोड़ा सा कर ही लेते हैं, क्योंकि शरीर मांगता है, कहता है कि योग करें, योग अभ्यास करें हम। तो सहारा लेकर दीवार का या पेड़ का, जैसे ये बहन कर रही हैं, ऐसे करें पार्क में या घर में दीवार का सहारा लेकर आराम आराम से करें। बड़ी उम्र की हैं, बिल्कुल धीरे धीरे करें, और जो जवान हैं वो जल्दी जल्दी कर सकते हो भाई। अपने शरीर के अकॉर्डिंग करें, ना कि नकल मार कर भी वो तेज़ करिए तो मैं भी तेज़ करूँगी, बिल्कुल नहीं। मगर कुछ तो करना चाहिए। आज हमारी क्लास एकदम हटका है भाई, संडे की स्पेशल है ये हमारी अपर बॉडी के लिए और लोअर बॉडी के लिए। तो आगे आगे बहुत सारे हमारे मिलेंगे एक्सरसाइज, जो रामबाण एक्सरसाइज है हमारे फैट को बर्न करने के लिए। बस अब तो इनको करते रहना चाहिए, रुकना नहीं, विराम नहीं। मनुज घिर गया है विकट संकटों से, मनुज घिर गया है विकट संकटों से, इसे योग से अब बचाना पड़ेगा, इसे योग से अब उठाना पड़ेगा, इसे योग से अब बचाना पड़ेगा, इसे योग से अब देखो भैया, से पेट पेटू को कम करने के लिए है ये जो बहन करने लग रही है, और थाइज भी कम होते हैं इससे, देख सकते हो आप खुद करके देखो, रिजल्ट आपके सामने आएगा। बस ये है, कोई ऐसा दर्द ना हो, कमर दर्द है बिल्कुल, आराम आराम से करें आप, जल्दबाजी ना करें। ये क्रॉसिंग में है चाल, बैठ कर चलो तो कौवा चाल, देखो कितना बिल्कुल आराम आराम से, ना शरीर पर जोर पड़ता है ना कुछ। एक बार आदत पड़ जाओ बस। और ये करने से पहले भी थोड़ा सा अपना सूक्ष्म व्यायाम जरूर कर लें, हाथों पैरों को गोल गोल घुमा लें, इधर से उधर, उधर से इधर करें। भजन के साथ करते रहे हैं तो उसमें लय तरीके से होता रहता है, रिदम में रहता शरीर, रिदम में रहता है अपने आप ही, जैसे अपने शरीर में ही रिदम रहता है, एक दो एक दो एक दो एक दो ऐसे। यथाशक्ति कर, अपना सर्वस्व आहूत करके कर, इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस। योग के दो बड़े तत्व मैंने बार बार कहे, योग और योग मूलक सारे, श्रेष्ठ सात्विक सनातन
सार्वभौमिक वैज्ञानिक तत्वों का एक साथ समावेश, इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस, और इसमें पूरा पूर्ण विवेक से, पूर्ण भक्ति से, पूर्ण पुरुषार्थ से, अखंड शरणागति की भाव से, आत्मधिष्ठान से। अगर आप एक एक्सरसाइज करते हो और फिर दूसरी एक्सरसाइज, दोनों के बीच में कुछ पल विश्राम करें, और विश्राम भी ऐसा कि शरीर को हिलाते डुलाते रहें, उसमें भी यूं ना बैठें आप आराम मूड में, एकदम शरीर को एकदम स्थिर ना रखें, थोड़ी मूवमेंट करते रहें, हाथों को हिलाते रहें, पैरों को हिलाते रहें, और लंबे गहरे सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। इससे हमारा आराम भी हो जाता है और शरीर की मूवमेंट भी जारी रहती है। करें म्यूजिक के साथ, गुरुदेव के साथ। वो हमारा लोअर बॉडी के लिए था, अब हमारा अपर बॉडी के लिए योग शुरू हो गया। अपर बॉडी के लिए एक्सरसाइज देख सकते हो, ब्रेस्ट के लिए, चेस्ट के लिए, फेफड़ों के लिए, कंधों के लिए, हाथों के लिए, जबरदस्त हैं ये हमारे एक्सरसाइज। बहुत अच्छा रिजल्ट आते हैं। जिसका भी अपर बॉडी ज़्यादा फैट में है तो करके देखें, लोअर बॉडी फैट है वो भी करके देखें। ये हमारा पूरा आज का एपिसोड उन्हीं के लिए है, ये सब के लिए, जिसको जहाँ जहाँ से फैट कम करना है उनके लिए है। रामबाण हमारा ये आज का पूरा एपिसोड आखिर तक देखें, कुछ न कुछ आपके लिए ज़रूर मिलेगा। और करें भी, ये नहीं है कि भी हम ऐसे खेल में योग करवा देते हैं, और करोगे परिणाम बहुत ही अच्छे आएंगे, शानदार। करके देखें आप हमारे साथ, मजाक की बात नहीं है, मजाक मना लें, हल्के मना लें, ये अलग बात है कि हम अपनी आम बोलचाल भाषा में सिखाते हैं योग, क्योंकि हम अच्छा लगता है आम बोलचाल भाषा में, सभी पसंद करते हैं भाई, जैसे आप भी करें। भावनात्मक आध्यात्मिक पूरा योग एक साथ, फिजिकल मेंटल इमोशनल इन्वॉल्वमेंट पूरा, योगा फॉर बॉडी माइंड, योगा फॉर ऑल एंड फ्री फॉर ऑल, योगा फॉर हेल्थ, योगा फॉर वेल्थ, योगा फॉर पीस, योगा फॉर प्रॉस्पेरिटी, योगा फॉर सक्सेस, योग फॉर सेल्फ डिसिप्लिन, योगा फॉर सेल्फ इंस्पिरेशन, सेल्फ मोटिवेशन, योगा फॉर सेल्फ हीलिंग, योगा फॉर कलेक्टिव हीलिंग, योगा फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, योगा फॉर कनेक्टिव। लगातार करो ओबेसिटी वाले अभ्यास, ओबेसिटी शेष मरकटासन कर लो। करे भैया बड़ी जबरदस्त तरीके से, ये एक नई हमारी एक्सरसाइज हमने ऐड की है अपने उसमें, और इसके रिजल्ट भी अच्छे आने शुरू हो गए हैं। जो पिट पिटू है, थाइज है, कमर है, हर हाथ है, पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है एक जगह बैठे बैठे। कहीं घूमने की जरूरत नहीं, कहीं दौड़ लगाने की जरूरत नहीं, एक जगह बैठे बैठे पूरी बॉडी का फैट बर्न हो जाता है। ब्रेस्ट के लिए है, नीचे की तरफ झुका हो जाता है तो मसल्स स्ट्रोंग हो जाते हैं, इससे कसाव में आ जाते हैं। तो करें, ये एक्स्ट्रा फैट उतरना शुरू हो जाता है। और कई माताएं बहनें कहती हैं कि भई हम क्या करें, हमारी तो एकदम मतलब ब्रेस्ट ठीक है या कम है। तो देखो, जिसकी कम है उसकी ठीक ठाक हो जाएगी, जो मेजरमेंट होता है माताओं का हाइट के हिसाब से, तो वो ठीक हो जाएंगे। आप घबराएं नहीं, सभी करें। आज का एपिसोड कैसा लगा बताना कमेंट्स बॉक्स में, और करके देखना भी लगातार एक हफ्ता से करोगे तो आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा। महीना करोगे, रिजल्ट 100% सामना आएगा, दूसरे टोकना शुरू कर देंगे क्या कर रही है, शरीर ऐसा होगा सेफ माना शुरू हो जाता है। बस हम छोड़ देते हैं, एक दो दिन करते हैं, आलस्य करते हैं, ये हमारे में बहुत ही कमी रहती है। सभी को राम राम। बताना कैसा लगा आज का हमारा एपिसोड।